So that's my plan to take our business to the next level. और अगर आप हमारे साथ हैं, तो I truly believe कि हम ये सारे targets achieve कर सकते हैं. आप सबके साथ हमारा business module share करना चाहता हूँ. And I think you guys will see कि हमारे मर्जे से आपका कितना फायदा हो सकता है. Start the presentation. मिस्टर शिव धूपर, तुमने कहा था कि तुम अपने बिजनेस के पक्के खिलाड़ी हो, लेकिन आज पता चला तुम्हारा बिजनेस तो सिर्फ झूठ पर ही चलता है. तुमने वादा करके भी मुझे टाइम पर पैसे नहीं दिए. ये है तुम्हारा बिजनेस कमिटमेंट. आज तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली मुसीबत में है. मैंने और पूजा दाई ने कितनी मुश्किल से और मेहनत से दिन रात एक करके तुम्हारे होटल में खाना पहुंचाया, और तुमने क्या किया? मजाक बना दिया हमारा. मैं ना तो किसी की मेहनत दिखती और ना ही इंसानियत, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हो, सिर्फ दिखावा करते हो. तुम्हारी जिंदगी में किसी की कोई अहमियत नहीं है. मामा जी, आपने शानी के पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए? पैसे? कौन से पैसों की बात कर रहा है? मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ यहाँ पे. जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए. ओए, तू होटल वाले पैसों की गल कर रहा है? ओ यार, वो तो ना दिमाग से निकल गया था मेरे. तो अपने दिमाग का इलाज करवाइए आप. मैं बैंगलोर की मीटिंग छोड़कर वापस दिल्ली आ गया सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए. वो इतनी बड़ी बात नहीं है यार, अभी संदीप को फोन करके ट्रांसफर करवा देता हूँ. मेरे बिजनेस में कौन सी बात बड़ी है, कौन सी बात छोटी, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा. आज तक हमारे बिजनेस पे एक उंगली नहीं उठने दिया मैंने, और आज आपकी वजह से लोग शिव धूपर को फ्रॉड कह रहे हैं. How could you be so careless? ओए बस सोए, कोई किसी की दी खैरात नहीं खाते हम. तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी मामा नाल इस तरह बात करने की? यही बोर्ड उतार के फेंका था ना, उठ उठ और अपने हाथों से बोर्ड वापस लगा, वरना तेरा वो हाल करूंगा. तू जिंदगी भर मुझे याद रखेगा. मैंने जो बोला सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोर्ड लगा वापस. चल लगा रहा हूं मैं, लगा रहा हूं. बोल ले जा. मेरी सास से बात हुई. यू आर राइट, पैसे ट्रांसफर नहीं हुए थे, सब मेरी गलती है. आई नो, अगर टाइम पे पेमेंट हो जाती है तो तुम सबको इतना सफर नहीं करना पड़ता. एंड आई एम रियली सॉरी ईशा जी. शिव,
तुम्हें पता है ये होटल ने बाबा को उनके बुरे वक्त में बहुत साथ दिया था। होटल उनकी खुशियों का घर है, जहाँ पे वो खुशियां खरीदना चाहते हैं। उनकी पहचान है और उनका गुमान है। आज तुमने उन्हें उनके होटल ही नहीं की जिंदगी वापस कर दी। थैंक यू सो मच। तुम बुट बोल लगा रो। अब क्या हुआ तुम्हें? वेट करो। वेट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे लिए तू गॉड गिफ्ट है रचना। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। उस कॉर्पोरेशन वाले को पैसे नहीं देती ना तो आज ये फोकट का तमाशा नहीं होता, समझी? अरे आई रचू डर गई थी तो क्या करती वो? और वैसे भी ये सारी गलती ना ये इशू ताई की है। क्या जरूरत थी सबके सामने वो ऑफिसर के साथ वाले अंकल को थप्पड़ मारने की? क्या थप्पड़? मक्का है। हाँ आई, मुझे भी किसी ने बताया कि शानी ने किसको जोर से थप्पड़ मारा, और मैंने तो उसे कहा भी कि मैं अकेले जाकर पैसे लेके आती हूँ, लेकिन नहीं, आप तो जानती हूँ उसे, शानी को हीरोइन बनने का जो शौक है। ऊपर ये मनहूस है ना, कुलकर्णी परिवार की इज्जत रास्ते पर लाने पर तुली है। झांसी की रानी बनने की क्या जरूरत थी तुझे, बता? क्यों गई थी उस कॉर्पोरेशन ऑफिस और उस आदमी को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है आज तक। आई मामी बोल। ये हो गया भाई साहब, इतनी रात ने क्यों बुलाया? और हमारी इज्जत का तो वैसे ही फलूदा हो गया। ये बाप ने क्या कहानी सुननी है? कहानी तो बर्बाद करके रख दी तूने। वो खेल का कच्चा खिलाड़ी है तू। एक काम दिया था तेरे को, वो भी तू कर नहीं पाया ठीक से। अबे ओ भाई साहब, घना चौधरी बनन की जरूरत ना है। रे मारा हाथ उठ गया ना, ते सच के ऊपर वाला सच सामने आ जाओगा। रे हाथ कैसे उठा दिया तुमने? तो क्या करूं, ना चू तेरे कंधे पे बैठ के है या ढोल बजाऊं? वो तेरी वजह से कुड़ी हमारे हाथ से निकल गई। अबे ओ भुप्पी के ताऊ, आवाज नीची रख ले, और ईब कुछ बोला ना तो जमीन मारी ना थारी कूदेगी। रे बालक समझे के थप्पड़ छोरी ने मारा और गूंज उठान खातिर तुम्हारा गला पकड़ रहा है। ईबे बिना बोलिए सरकारी अफसर हूँ, और यो सरकारी जमीन के आगे खड़ा तू? दो मिनट में थारा होटल बंद करा दूंगा। थारे उस बांजे ने थारी करतूत बता दी ना तो सारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाओगी। ये जनानियों वाली धमकी ना किसी और को जाके दियो, दो मिनट में तेरी अफसरगिरी निकाल देनी है मैंने। अबे ओ मामा, यो बात है ना तो उस छोरी के आगे दिखा अपने मर्दानगी वाले तेवर। मारे आगे को ना दिखा। दिखाऊंगा, उसको भी जरूर दिखाऊंगा। उसकी तो पूरी जमीन खोद देनी है मैंने। तो दिमाग घुमा के रख दिया उस कुड़ी ने मेरा वे। उसकी वजह से पहली बार शिव ने मेरे से ऊंची आवाज में बात की है। अरे बात छोड़ो मामा, उसने तो हमारी जिंदगी के हालात ही उल्टे कर दिए। पहले सड़क पे ठुकाई, फिर जेल में ठुकाई। एक बार मारे आगे आ जावे, उसकी जिंदगी में आग ना लगा दी ना तो हमारा नाम भी सुमित को ना। Coffee in my room, black. शिव थोपर? हाँ हाँ, अब तो उस होटल वाले राजकुमार का तुझे फोन आएगा ही ना, उठा। हेलो ईशानी, पूजा से बात करवाओ। क्या तुम्हें पूजा ताई से बात क्यों करनी है? वो बोल रहा है ना, उसे पूजा से बात करिए। दे उसे फोन, दे। ताई ले। ईशु, मैं ताई ले तो सही। हेलो, हाँ क्या? पूजा, I'm confused. मैंने clearly सिर्फ तुम्हें बुलाया था। माफ करना, वो दरअसल पूजा
बहुत डरी हुई थी तो मैंने सोचा मैं भी उसके साथ चलती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर रुकती हूँ। चल ईशानी। एक्चुअली वन ऑफ यू कैन स्टे, आप में से कोई एक रुक सकता है। नॉट यू। मैम प्लीज आप अंदर रहिए। ईशानी यू मे लीव। आपको जो भी बात करनी है आप ईशानी के सामने ही कीजिए। वेल इन दैट केस दिस मीटिंग इज कैंसल्ड। आप जा सकते हैं। हाय सही नहीं तो रुक, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। जा बैठ। Anyway, let's get to the point. मैं चाहता हूँ कि आप हमारा होटल ज्वाइन करें as a chef. Our personal problems aside, हमारे क्लाइंट्स को आपकी डिश बहुत पसंद आई है. And the client is always right. आप हमारे किचन में महाराष्ट्रियन सेक्शन हेड करेंगे. For the first 3 months, you will work as an intern. उसके बाद आपका evaluation होगा and then you will become a full-time employee. Yes, हमारी एक पॉलिसी है, हमारे एम्प्लॉयज कहीं और जॉब नहीं कर सकते। मॉम क्या हुआ? वो तो बैठ थे आके मेरे नाल। क्या हुआ? समय से क्यों बैठे? माँ ने सबको बुलाया। माँ ने? चंगा कितना तू आ गया, आजा बैठ। आजा आजा। बात क्या है माँ? बेटा होली आ रही है और होली का त्योहार हमारे लिए सिर्फ त्योहार नहीं, मेरे बच्चे अनिकेत को याद करने का मौका होता है। और हम सबको दुख था और हमेशा रहेगा कि हमारे साथ अनिकेत नहीं है, लेकिन हम सब उसकी याद में मिलकर होली का त्योहार तो मना ही सकते हैं ना। क्या हम अनिकेत की याद में इतना नहीं कर सकते? हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, आपने बोल दिया है ना तो बस बात खत्म, हम सब साथ मनाएंगे होली। तो ठीक है फिर बुलाओ ढोली। हाँ और मैं तो कहता हूँ कि इस बार होली पे सारे भंगड़ा दा गिद्दे इकट्ठे पाएंगे। चलो फिर। हाँ जी और मैं कैसी, होली तो त्योहार ही होता है जी, पुरानी बातों को भूल के ना खुशियां मनाने का, टप्पे पाने का। हाँ जी जैसा आप चाहो। ले भी खिलाऊ? हाँ अब बताइए ना हमारी होटल कैसे शुरू होगी, बोलिए। और बाबा इतना सारा सामान है, बिना खर्चा किए तो होटल शुरू ही नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ ना कुछ, करता हूँ कुछ पैसे का इंतजाम। अच्छा काय करना है? कुलकर्णी कुआं खोद के रखा है जिसमें हाथ डाल डाल के पैसे निकालोगे? हाँ कहाँ से लाओगे पैसे बताओ। ताई तू ना जरा भी टेंशन मत लेना, और हाँ तू बस अपने काम पे फोकस करना, उस लैंप पोस्ट से दूर ही रहना, घबराना मत उसे, अगर वो तुझे परेशान करेगा ना तो तू मुझे बताना। हाँ ओ मैडम ज्यादा रायचंद बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तू 5-स्टार रेटिंग के लिए काम करती है और पूजा 5-स्टार होटल में। ताई बहुत नुकसान हो गया है, सारा सामान तो कबाड़ हो गया है, अगर हम वापस बनाने जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा। सूरज तू टेंशन मत ले, पापा के पास बहुत पैसे हैं। क्या बोल रही है तू ईशु? हाँ हाँ इसे जले पे नींबू निचोड़ना ना बहुत अच्छे से आता है, तू बोल बोल। हाँ बोल। तू क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईशानी मेरे पास इतने पैसे कैसे होंगे? पापा आप पहले फोन निकालो, निकालो फोन जल्दी। ये देखो लॉटरी लग गई है आपकी,
4.5 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। देखो, तू तंदुरुस्त नहीं होगी तो मेरा नाती कैसे तंदुरुस्त होगा? नाती? मम्मी आप ना रहने दो, रणदीप को तो वैसे भी बेटी चाहिए। ओए कुड़ी, ओ नहीं 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 जी, पहली औलाद तो मुंडा ही होना चाहिए। और जो कुड़ी होगी ना तो फिर तो उसने शादी ब्याह में बहुत खर्चा करा देना है जी। ओ नहीं नहीं, देख मुंडा होगा ना तो फिर वो हमारा व्यापार संभालेगा, हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा। हां जी ले खा। मामी जी लगता है आप ना अभी भी 60s में ही जी रहे हो। आजकल की कुड़ियां कुड़ों से लड़कों से कम नहीं है। अगर आपने ये सब बाहर बोल दिया ना तो अरेस्ट हो जाना है आपने। वो छड़ो है, अरेस्ट होगी मेरी जूती। वो टीना, तू भी ना हमेशा उल्टी बात करती है। अले पिन्नी खा तो तेरा भी दिमाग सीधा चलेगा। ओए डिम्पी ले तू खत्म कर इन पिन्नियों को। मैं क्या रणदीप पुत्र जी, तुसी भी ट्राई करो ना, क्या तब से लगे हुए कंप्यूटर में चिट्टे चिट्टे। हां मम्मी जी, वो मैं इन्वेस्टर की मेल चेक कर रहा हूं। जी इन्वेस्टर्स? क्यों झूठ बोल रहे हो जीजा जी? ये बोलो ना, इन्वेस्टर नहीं नौकरी ढूंढ रहे हो? 1.5 लाख दिए थे ना, ये लो 2 लाख। वो मेरी भी माँ जैसी है, और अपनी माँ को पैसे देने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा क्या? नहीं, बट आई कैन टेक केयर ऑफ माई मदर, सो प्लीज। वो तू तब करेगा जब तुझे पता होगा किसकी क्या टेंशन है। तेरे को अपने से फुर्सत नहीं है तो क्या टेक केयर करेगा? हाँ जॉब नहीं है ना, ज्यादा पैसे बांटो मत, काम आएंगे। एंड प्लीज दोबारा हम पे एहसान मत करना। एंड बाय द वे, इफ यू नो मी, याद रखना कहीं और जॉब लगने नहीं दूंगा आपकी। जॉब और एहसान की बात भी मत कर, सड़क पे सो जाऊंगा लेकिन तेरे साथ काम नहीं करूंगा। और तेरे से यही उम्मीद थी, ब्लडी सेल्फिश। सेल्फिश मैं हूं? सेल्फिश? रेजिग्नेशन किसने दिया? मैंने दिया। चीज डोंट टच मी। लेकर लिया, क्या करेगा बोलना, बाकी घर वाले डरते होंगे, मैं नहीं डरूंगा। बोल क्या करेगा तू? मैं आपको जॉब नहीं छोड़ने दूंगा। अरे देते रहो अपनी रेजिग्नेशन, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तू तो कॉलर पकड़, कॉलर छोड़। छोड़? ओ नहीं पुत्र, छोड़ मेरा कॉलर यार, तेरे हाथ बड़े लंबे हैं यार, क्या कर रहा है ये? जीजा सॉरी यार, शानी मैंने दिमाग खराब कर दिया था, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, सो सॉरी। मुझे भी माफ कर दे यार, कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था, ओवर रिएक्ट। इधर आ जल्दी आ, और लैंपो से दूर ही रहना तू, अगर वो घूरने लगे ना तो तू इधर उधर देखना। ईशु तुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुझे मेरी नहीं उस शिव की ज्यादा टेंशन हो रही है। तुझे शिव पसंद है क्या? क्या बोल रही है तू ताई? मैं तो जिंदगी में उसकी शक्ल भी ना देखूं, उसकी गर्दन ना ये लैंप पोस्ट जितनी लंबी है। मेरा बस चले मैं तो उससे कभी बात भी ना करूं, लेकिन बातें तो दिन रात तू उसी के बारे में करती रहती है। शिव ऐसा है, शिव वैसा है, नींद में भी उसी का नाम लेती रहती है। मिस्टर शिव तो पर मैं समझते गया हूँ अपने आप को। लैंप पोस्ट कह के मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मिस्टर शिव तो पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। ये तो सपने में भी शिव दूपर को ही देख रही है क्या? मैं नींद में शिव का नाम ले रही थी, ये कब हुआ? बताती हूँ आराम से। चल अब आज मेरे काम का पहला दिन है, मुझे लेट नहीं होना। ठीक है बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या मैं सच में नींद में उस खड़ूस शिव का नाम ले रही थी? नहीं नहीं सर, को एक गंदा सपना देख लिया होगा। हेलो मैम, आप आ गए, थैंक यू सो मच। वेलकम, बट आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? एक काम था, उसके बदले में मैं आपके घर में 5-स्टार रेटिंग वाली क्लीनिंग करवा सकती हूँ, और आपके वाइफ के लिए 5-स्टार रेटिंग वाली मैनिक्योर और पेडिक्योर फ्री। सच? लेकिन ये बताइए मुझे करना क्या होगा? अब देखना शिव थोपर, तुम्हारे होटल में ना होते हुए भी कैसे तुम्हें कंट्रोल में रखती हूँ मैं। Is this some kind of joke? मेरा होटल, मेरा मैनेजर, और वो फ्राइड राइस को तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। सर
सॉरी सर, शिमली सॉरी। वेट 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 वेट, क्या कर रहा है यार, फाड़ क्यों रहा है? मुझे तो तीन आई यार। तुम फोन पर ढंग से बात नहीं करते तो तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सामने खड़े होकर तुमसे बात करने में मेरी गर्दन दुखती है, इसलिए मैंने ये लेटर भेजा है। अब अपना गुस्सा और एटीट्यूड अपनी जेब में डालो और काम करो। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। हेलो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अगर तुम्हें स्टोरी बुक भेजनी थी तो तुम पूजा के साथ ही आ जाती ना। आज पूजा ताई का पहला दिन, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देख के तुम उबलने लो। और पूजा ताई को कुछ भी बोल, ये स्टोरी बुक मतलब लेटर संभाल के रखना, याद दिलाती रहेंगी कि तुम्हें क्या नहीं करना है। अच्छा, अब तुम मुझे हेलो हेलो काटते हो। तुम्हारी बहन समझती क्या वो अपने आप को? शी थिंक शी कैन डोमिनेट मी। सर, इशू की हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, आजकल वो आपके बारे में ही बात करती रहती है, दिन भर आपका ही नाम लेती है। देखो, शिव भी उसी के बारे में बात करता रहता है। ईशानी ने ऐसा किया, ईशानी ने वैसा किया, ईशानी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके पास ईशानी के अलावा कोई और टॉपिक है भी नहीं। तुम दोनों का मजाक खत्म हो गया हो, काम शुरू करें। यस सर, मैं किचन में जाके सेटअप करती हूँ। हाँ प्लीज। जी जी, क्या मैं सचमुच दिन भर ईशानी की बात करता हूँ? ऑफ कोर्स, कुछ नया क्या है? तू छोड़ देना प्लीज, उसकी बातों का बुरा मत मान, उसकी बातें तू दिल पे मत ले। नहीं ताई, शिव ने जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा यही कोशिश करती रही कि कोई तेरे साथ गलत ना करे, सिर्फ तुझे प्रोटेक्ट करना चाहा, लेकिन मैं गलत थी। नहीं शिव, तूने हमेशा मुझे सही और सच के साथ रहना सिखाया है। ताई ताई, शिव ने जो बोला वो सब तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तो हमेशा यही लगा कि तुझे मेरी जरूरत है। ईशु, तूने हमेशा अपने बहन होने का फर्ज निभाया, हमेशा मेरा ख्याल रखा है, तूने सब कुछ सही किया है। लेकिन ताई नहीं, आज से मैं तुझे कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत है। चले फिर ना, तू मुझे रोज दो टाइम की चाय, पिकअप और ड्रॉप, रात का खाना और बहुत सारा प्यार, ये सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी पड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कुछ सीख पाऊंगी, लेकिन शिव थूपर, आज सही मायने में तुमने मुझे अपनी बहन से मिला दिया। थैंक यू। वैसे सपने हैं ये, क्यों परेशान करते हैं? कौन है ये लोग? म्युनिसिपैलिटी का पाइप भी मेरे रास्ते में ही फटना था। थैंक गॉड पिज्जा बच गया। अरे देवा, बस दो मिनट बाकी है, 30 मिनट के बाद डिलीवर किया तो ना पैसे मिलेंगे ना रेटिंग। भागे शानी, Thank you.
सब बहुत तारीफ कर रहे हैं सर, आपके लिए ऑर्डर करूं? क्या नाम बताया इंटर्न का? सर पूजा कुलकर्णी। हाँ हाँ बिल्कुल, एक प्लेट स्पेशल पोहा कर दो, इंदौरी स्पेशल पोहा। हाँ सर मैं खुद लेके आता हूँ। नहीं हाँ सर। नहीं मतलब पोहा तो चाहिए ही, वो क्या ना मम्मा के लिए भी एक प्लेट पैक कराना है, तो क्या नाम बताया था शेफ का? सर पूजा कुलकर्णी। हाँ, हाँ, वो आ गई क्या? हाँ सर आ गई है। तो भेज दो उन्हें। श्योर सर, मैं उनको भेजता हूँ आपके पास पोहा लेकर। पूजा कुलकर्णी, अब तक तो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनी थी, आज तुम्हें देखूंगा भी। सर्व कर दूं या आप ले लेंगे? सर पोहा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, मुझे क्या होगा। अच्छा अच्छा पोहा पोहा। माँ इज एवरीथिंग ऑल राइट? हेलो हेलो हाय, सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब बिल्कुल ठीक है। वैसे एक बात कहूं, थैंक यू माँ, टिप या रेटिंग पूरा काम देख के ही देना। ईशानी की सर्विस है, रेटिंग तो 7 स्टार से भी ऊपर जाने वाली है। आउट ऑफ 20 में भी। ओके माँ मैं होटल जा रहा हूँ। ठीक है, लेडीज एंजॉय योरसेल्फ्स, बाय। आंटी आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, मैं आप पे फेस मास्क लगाती हूँ। पर कुड़िये वो तो रिलैक्स ही है, गर्मी थी ना, बाहर तो नहीं गई थी, और शॉपिंग तो मैं करके आई हूँ, मैं थक रही हूँ, तो क्या मैंने लगा दे ये मास्क तेरा। हाँ तब तक मैं ना आराम नाल बैठ जाती हूँ, यहाँ फटाफट कर दे छेती। और देख हौले से लगे हाथ है, मैं बहुत डेलिकेट हूँ। उसे याद ही नहीं उसका चेहरा। चल तू काम पे लग जा। हेलो सर, दिस इज संजना फ्रॉम SIB बैंक। सर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, रिन्यूअल के लिए आई नीड टू कंफर्म योर डिटेल्स। यू आर भूपेंद्र दहिया राइट? हाँ जी। वो ऐसे कैसे एक्सपायर होने वाला है? सर आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने है, 2 दिन में आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। बट नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी उसे रिन्यू करा देती हूँ। इफ यू कुड शेयर योर कार्ड नंबर एंड योर CVV नंबर आई विल ग्रेटफुल सर। ओ जी आप बोल कहाँ से रही हो? सर SIB बैंक से बोल रही हूँ सर। आपको डिस्टर्ब करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, ये तो हमारा काम है ना सर। लोगों की जेबें काटने का बढ़िया काम है मैडम आपका। वो तेरे जैसे फ्रॉडियों को ना जेब में रख के घूमता है भुप्पी, और बेवकूफ बनाते हो लोगों को और उनका बैंक अकाउंट खाली करते हो। अभी नंबर सेव करता हूँ तेरा, और उल्टा लटका देना है तेरे को मैंने। ये क्या कर दिया मैंने, अपना पर्सनल नंबर यूज कर दिया। पुलिस यहाँ पहुंच गई,
कितनी बड़ी गलती, बड़ी गलती, कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ मैं। ऐसी गलती हुई ना निकेत, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं। आप लोग यहाँ अगर कुछ काम था तो कॉल कर लेते। बात थोड़ी सीरियस है, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही चलकर बात कर लेते हैं। ईशानी, तुम आज पार्लर सर्विस के लिए हमारे क्लाइंट मिस्टर शिव धूपर जी के यहाँ गई थी, राइट? जी मैम, स्वाति का कॉल था, मैं ही उसके साथ गई थी। क्लाइंट के घर से एक नेकलेस चोरी हुआ है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो तुमने चुराया है। इसलिए हमें तुम्हारा बैग और बाकी सब सामान चेक करना है। नहीं मैम, ये तो झूठ है, आप तो मुझे जानती है, मैं ऐसा काम क्यों करूंगी। आई एम सॉरी ईशानी, बट किसी की कंप्लेंट आई है तो प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मैम, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, आप चेक कर लीजिए। इस हद तक चला जाएगा शिव धूपर, मैं सोच भी नहीं सकती थी। चोर साबित करना चाहता है मुझे। लेकिन एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, ईशानी चोरी नहीं कर सकती। बाबा रे बाबा, इतना जच रहा है ये हार मुझ पे, मैंने आज तक इतना कीमती हार नहीं पहना है। वाह सुलोचना, वाह। सुंदर और कीमती हार, पर ईशानी के पास कहां से? ये तो इसे तो मैं ही रख लूंगी। कोई देख ले उससे पहले मैं ये हार को संभाल के रखती हूँ। तुम अपनी पार्टनर के बारे में श्योर हो? हाँ, स्वाति ऐसी लड़की नहीं है। ठीक है मामी जी, आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, केस फाइल कीजिए, लेकिन उस सब में इन दो लड़कियों का नाम नहीं आएगा। भेज देती। That's fine. Relax. You can leave now. I am sure आपकी और अपॉइंटमेंट्स होंगी। एक मिनट सर। सर ये गणपति बप्पा का ब्रेसलेट है, मैंने अपने भाई के लिए बनवाया था। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती आपको, थैंक यू समझ के रख लीजिए। नहीं, मैं इस सब में विश्वास नहीं करता। प्लीज मना
घृणा मत कीजिए सर, गणपति बप्पा हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। ओके, आप रख दीजिए एंड थैंक यू। चल तू जा, मैं आती हूँ। ईशानी, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। मेरे पास एनर्जी नहीं है ना कुछ बोलने की ना कुछ सुनने की। मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है शिव, मुझे लगा था कि तुमने मेरी कंप्लेन करी लेकिन मैं गलत थी। आई एम सॉरी शिव। एक मिनट, क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। नहीं, वो जो तुम उचक के ऊपर आके बोलती हो, ऊपर आके कान में बोलना। मैंने कहा आई एम सॉरी शिव। शानी कुलकर्णी शिव धूपर को सॉरी बोल रही है। आई गेस आई शुड से थैंक यू एंड ऑल्सो तुम जा सकती हो। तुम कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, एक्चुअली थोड़ा जल्दी जाओ। इश्क है या क्या है, जैसे मिल रहा हो कोई जायका। सर आपका पिज्जा कैश ऑन डिलीवरी है, 375 रुपए हुए। थैंक यू सर, प्लीज रेटिंग दे दीजिएगा। लास्ट टाइम
एक लड़की देने आई थी पिज्जा, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। नहीं, वो लास्ट टाइम पैसे कम पड़ गए थे, दे नहीं पाया उनको, तो कैसे दूं उनको पैसे? एक मिनट सर, लास्ट टाइम आपके यहाँ जिसने डिलीवरी की थी उसका नाम ईशानी कुलकर्णी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये नवारी सारी आंटी जी, हमारे यहाँ होलिका दहन के प्रोग्राम में सब नवारी पहनते हैं, इसलिए हम आप सबके लिए भी नवारी ले आए। ये आपके लिए, थैंक यू। आपके लिए, थैंक यू। ये लीजिए आपके लिए। हाय रब्बा, ये होती है नवारी, इसको पहनना तो कितना ही मुश्किल काम है, पूरे 2 महीने लग जाने हैं। अरे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों आपको 2 मिनट में सिखा देंगे। पक्का? नहीं 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 पूजा, सिखाने विखाने का टाइम नहीं है, तुम दोनों हो ना तो साथ मिलके पहना देना। ये भी सही है आंटी। ईशु, तू बाबा को फोन करके बोल दे कि हम सबको लेके होली के दहन के जगह पे ही मिलेंगे। हाँ, ये लीजिए आपके लिए। ओ नहीं हुए, देख जिसे तेरी इस धोती दाती में दिलचस्पी हो ना उन्हें पहना, मैंने कोई दिलचस्पी नहीं है। मीना भाभी, कुड़िया इतने प्यार से नवारी लेकर आई है तो पहन लीजिए ना, एक ही दिन की तो बात है। ओ जी ठीक है, जब सारे पहन रहे हैं तो मैं भी पा लांगी, दे लीजिए। एक गल दस कुड़िया मैनू, ये तेरी साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, हा? लगता बहुत खर्चा कर दिया तूने। दिल्ली विच कुबेर काका जी ने अपने खजाने खोल दिए क्या? किसी की खुशी देखी कहां जाती है मामी जी से, वो तो बस पैसे गिनती है। अगर किसी का मूड खराब करना हो तो मामी जी इज ऑलवेज रेडी। ओए नहीं 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 पुत्र जी, इस मामले में ना तेरा नंबर अव्वल है, मैं तो तेरे पीछे खड़ी हूँ, और अगर मुझसे बातों में लड़ाई लड़नी है ना तो फिर आ जा मैदान में। आप छोड़ो ना भाई, रिलैक्स। आई आंटी, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ओए नहीं ओए, कोई जहमत की जरूरत नहीं है, हम खुद पहन लेंगे। चलो ए टिम्पी उठा। आज छेती, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया मैं उसके लिए कैसे धन्यवाद दूं? हमारा होटल तो तहस नहस हो चुका था, लेकिन मेरे होटल को बचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी थी, चेक टाइम पे नहीं पहुंचा, दैट्स फाइन। देखा देखा इस टीना की बच्ची को, जैसे ही इसे पता चला ना मेरे 3000 फॉलोअर्स हैं, इतना छोटा सा मुंह हो गया था इसका। एमबीडब्ल्यू गाड़ी में बैठकर आई है तो अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझ रही है कहीं। देख 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 कैसे शो ऑफ कर रही है। सबसे पहले एमबीडब्ल्यू नहीं होता, बीएमडब्ल्यू होता है। वाव, यहाँ सब कुछ कितना ट्रेडिशनल है ना। अच्छा हम लोग मनोत्रास के माने गए। ओए जानू जी, तुसी ते बच गए बीमारी का बहाना का बना के घर पे, मुझे मैं फंस गई ना तुम्हारी बहन के साथ। मुझे तुम्हारी बहन को भी ना मानना ही पड़ेगा, इसे कोई भी इनवाइट कर ले ना ये चल पड़ती है टब्बर लेके पूरा। मुझे मैंने भूख लग रही है, एक भी चीज नहीं है खाने लायक, पता नहीं क्या मिसल उसल हा? ना ही ऐसे है कि बंदे की भूख ही मर जाए। बताओ क्या खाऊं मैं, पोहा? पता पोहा तो त्योहार खाने की चीज है, गरीबों वाली पार्टी में आ गए हम भी। पुपी जी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। आंटी जी, हम भले ही मिडिल क्लास लोग हैं लेकिन हमारी मेहमान नवाजी एकदम हाई क्लास है।
आप एक बार हमारा पोहा ट्राई तो कीजिए। और आंट दे कुड़िए, भूख नहीं है मैनू। मुझे पूरन पोली बहुत पसंद है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची में मुझे पूरन पोली बहुत पसंद है। मैंने तो आज तक किसी पंजाबी को पूरन पोली खाते हुए नहीं देखा। हम अलग टाइप के पंजाबी हैं, हमें सिर्फ टेस्ट से मतलब है, और अगर कोई कुछ प्यार से खिलाए तो वो भी चलेगा। अरे आपने बताया नहीं कि मैं आपकी दी हुई साड़ी में कैसा लग रहा हूँ। बताना तो चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। मौका तो निकालना पड़ता है मिस पूजा कुलकर्णी। आपके पास अभी है 5 सेकंड, बता दीजिए। आपको देखकर खुशी भी हुई और हैरानी भी। मुझे नहीं पता था कि आप साड़ी को धोती बना के ऐसे भी पहन सकते हैं। वैसे अच्छे डिजाइनर हैं आप। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं उसे रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ। ईशानी वहां अकेली है, पूजा की तैयारी करनी है, मैं आती हूँ। सही है, पूजा को तो पूजा की तैयारी करनी चाहिए। का दहन समारोह चल रहा है पासी में। होलिका माता की जय। होलिका माता जी के दहन के लिए 2 यजमान सामने आई है। पूजा कहाँ है? पंडित जी, आज हमारे साथ एक और परिवार है और मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार के बड़े बच्चे, मेरा मतलब है शिव और मेरी बेटी पूजा, ये होलिका दहन कर सकते हैं। क्यों किरण जी, मैं सही कह रही हूँ ना? यजमानों को जल्दी बुलाइए, होली के दहन का मुहूर्त निकला जा रहा है। ईशानी, पूजा तेरे साथ थी ना, जा जाके बुला कर लेकर आ। हाँ मैं अभी देखती हूँ। आज शिव और पूजा साथ में होली का दहन करेंगे, बस ऐसे ही बहुत जल्दी वो दोनों एक दूसरे के भी हो जाएंगे। वाह सुलोचना, क्या दिमाग चलता है तेरा, वाह। Thank you.
हेलो अनिकेत, तेरा फोन दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया है। भाई जितना जल्दी हो सके उड़ जा वहाँ से। हाँ भाई तू निकल वहाँ से, हम सीधा भोपाल में मिलते हैं। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, आभार सत्कार और शुभ विचारों के साथ आप सबका हमारे होलिका दहन के प्रोग्राम में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी होलिका दहन के प्रोग्राम को रंगारंग बनाने के लिए आप सबके बीच स्टेज पे आ रही है इस मोहल्ले की शान जान पहचान ईशानी कुलकर्णी। ईशानी डांस भी करती है? हाँ सर, ईशानी बहुत अच्छा डांस करती है। हर साल होलिका दहन में सब लोग उसके डांस का इंतजार करते हैं। आप देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे। अरे क्या कर रही है, जल्दी चलना वरना तेरे वजह से ना ईशानी का डांस मिस कर देंगे। टेंशन मत ले, ईशानी का डांस देखे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ईशानी ईशानी डांस करने वाली है, ईशानी का डांस देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अरे वाह, क्या कमाल का डांस करती है अपनी ईशानी। मैं तो सारा काम वाम छोड़ के सिर्फ ईशानी का डांस देखने के लिए आई थी। अरे वाह, इस ईशानी का ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये सबकी आंखों में चढ़ के बैठ जाएगी। मेरी पूजा का क्या होगा फिर? रचना, ये मोबाइल पे क्या फालतूगिरी कर रही है? चल अरे चल, कहा ना आई, इधर आ। अरे आई क्या हुआ? हाँ मेरा इंस्टा लाइव चल रहा था। तेरे इस लाइव शेफ से ना कुछ नहीं होने वाला। वहाँ देख, पैसों का पूरा खजाना पड़ा हुआ है और तुम दोनों हो कि चिल्लर पार्टी कर रहे हो। चिल्लर पार्टी? लेकिन आई, हम तो होलिका दहन की पार्टी कर रहे थे ना, तो चिल्लर पार्टी। एको देवा परमेश्वरा, तुम दोनों को ना बिठा कर सब कुछ समझाना पड़ता है। अरे यहाँ पर इतने अमीर लोग आए हैं, उनके साथ बैठो, बातें करो, दोरे डालो, तभी तो हम गरीबों के सपने पूरे होंगे। और तू, तेरे इन फॉलोवर वॉलोवर से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुझे सही में अपना जलवा दिखाना है ना, तो वो शिव दुपहर का भाई है ना, उसको दिखा। और जैसे ही वो तेरे चासे में आ जाएगा ना, तब हमारे सपने होंगे पूरे। और ये क्या पहन के रखा है? ऐसे कोई कपड़े पहनता है क्या? जितना दिखाएगी उतना रिझाएगी। तो आजकल की लड़कियों की तरह स्टाइल में कपड़े पहनना। ये क्या है? नवारी के ब्लाउज को ऐसे नहीं पहनते, ऐसे पहनते हैं। रहने दो ना। बोला ना स्टाइल। ये अब ठीक है? हाँ, अब लग रही है ना तू हाई कॉलोनी की लड़की। ऐसी स्टाइल मारेगी, ऐसे शाइन करेगी तो तुझे लड़के पटेंगे ना अमीरों वाले। अब चल। अच्छा तो ये संस्कार देती है माँ अपनी बेटियों को, जब माँ ऐसी है तो बेटी चोरी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। अरे आप सब ऐसे कोने में क्यों बैठे, खाना वाला खा लीजिए ना। अच्छा ये मेरी बेटी रचना और ये उससे भी छोटी बेटी नीति। ए हाय, हेलो करुण। रणदीप जी ये लीजिए ना। आई एम सॉरी, आई एम टू फुल। प्रसाद समझ के खा लीजिए। ओके। अभी तक ईशानी के बारे में सोच रही हैं आप? नहीं, उसकी संस्कारी माँ के बारे में सोच रही हूँ, उसकी घटिया सोच के बारे में सोच रही हूँ। परचाई जी, इतनी चिंता ना इंसान की सारी खुशियाँ उड़ा देती है। मैं पता है ईशानी चंगी लड़की है। नहीं शशि, एक बात कहूँ तुम्हें, बेटियाँ ना माँ की परछाई होती है। इज्जत सत्कार संस्कार सब माँ ही सिखाती है अपनी बेटियों को। जहाँ तक मैनू पता है, और कुड़ी दी माँ नहीं मामी है। बचपन से ईशानी अपने मामा मामी के घर पली बड़ी है। ऐसी और भी बुरी गल है शशि,
जो माँ अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दे सकती है वो अपने फायदे के लिए दूसरों की बेटियों से क्या क्या करवाती होगी शशि। अच्छा जी शांत हो जाओ तुसी, कभी कभी जो दिखता है वो असलियत में वैसा नहीं होता। उनके परिवार को कल बुलाया है ना होली पर, हाँ देख लेंगे उनकी इज्जत को भी उनकी नियत को भी। नहीं शशि मैं उन लोगों की ना शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और जहाँ तक शिव के ब्याह की बात है ना तो उसके लिए लड़कियाँ देखना शुरू कर दो, हो सके तो 2-3 लड़कियों को ना होली फेस्टिवल में भी बुला ही लेना। कान की बालियां उतार उतार पार्टी। जल्दी उतार ये नॉक कंप्यूटर समझी। चल ऐसे नहीं मारेगा तू, उतार। और ये लिपस्टिक क्या लगा के रखी है? मम्मी क्या कर रही हैं आप? तुझे तेरी औकात दिखा रही हूँ, इस घर में क्या है समझी? क्या चल रहा था तेरा होलिका दहन में बता मुझे? अमीरों के सामने ये लिपस्टिक लगाकर 4-5 टुमके लगाकर घर की इज्जत उतारे की तू? बहुत शौक है ना तुझे अपनी तारीफ सुनने का? हाँ तुझे क्या लगा तू ये स्टाइल दिखाकर दोपहर परिवार की लाडली बन जाएगी तू? ये क्या बोल रही हो आप, मैं ऐसा क्यों करूँ? तू जैसी बेशरम लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ समझी। आखिर तेरे अंदर तेरी माँ का ही खून है ना, रंग तो दिखाएगी तू? क्या देख रही है हा? क्या देख रही है आंखें फाड़ के? आंखें नीचे कर वरना तेरी आंखें नोच लूंगी समझी। नीचे कर आंखें। इससे आगे कुछ मत बोलना। बोलूंगी। तेरी माँ ने जैसे लड़कों को फंसाया था ना तू भी बिल्कुल वैसे ही कर रही है। नतीजा क्या निकला? तू जैसी नाजायज लड़की। मामा जी कहाँ हो आप, और तबीयत शबीयत कैसी आपकी? और मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, वो वैसे भी तबीयत हमें खराब नहीं करती, हम तबीयत को खराब करते हैं। तो बोलना काम मसीगा कुछ है? नहीं बस मैं जी जो यश के साथ चिल कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आपके बिना महफिल जम नहीं रही। मामा जी कहाँ हो आप, आपके भांजे यहाँ वेट कर रहे हैं और आप पता नहीं कहाँ हो, जल्दी आओ। पापा जी आपको कोई स्पेशल ड्रिंक चाहिए क्या बता दो, वी विल अरेंज। ओह नहीं नहीं मेनू कुछ नहीं चाहिए। ओ भाई साहब हेलो, वो सीसीटीवी तो चलता होगा ना? हाँ जरूर चलता है, ये रखो और दिखाओ मेरे को फुटेज। आइए। जब से तुमको देखा है सोते जागते मेरे ख्यालों में तुम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम। पहले किसी को देख के ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा तुमको देख के होता है।
तुम मेरी मेरी आई लव यू ईशानी कुलकर्णी। तुम चाहे जहां भी हो मैं तुमको ढूंढ लूंगा। आजकल तो सबके सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं। वो मेरी दुनिया। ईशानी कुलकर्णी इंटरनेट पे यही एड्रेस यही रहती है वो। निशानी कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा खुला छोड़ दिया
अर्चना तू अभी घर आई है? नहीं, थोड़ी देर पहले आई थी। क्यों, क्या हुआ? तूने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? दरवाजा? मुझे नहीं पता यार, तुझे खुला दिख रहा है तो जाके बंद कर देना। रचना रुक, एक तो तू लेट आई है, ऊपर से तूने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। घर में चोर आ जाता तो? देख, ये फालतू का ड्रामा ना मेरे सामने कर मत। और हमारे घर पे कोई खजाने की तिजोरियां नहीं है जो चोरा कर लेकर जाएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अभी कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा लेक्चर? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि दरवाजा बंद कर देना चाहिए था। ज्यादा ना चपा चपड़ मत कर, वरना अभी आई को जाकर उठा दूंगी, समझी? अच्छा, आई के नाम से धमकी देगी मुझे? हाँ दूंगी मैं तुझे धमकी, क्योंकि आई जानती कि तुझ जैसे को कैसे सीधा करते हैं। रचना रुक, क्या है यार, क्यों पीछा कर रही है मेरा? जा ना अपना काम करना। मैं तुझे तेरी गलती बता रही हूँ। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं किसका लेक्चर क्यों सुनूं? हाँ, जब तक तुझे तेरी गलती समझ में नहीं आएगी तो उसे सुधारेगी कैसे? पहले खुद को तो सुधार ले। आई के साथ बदतमीजी से बात करती है, बाबा की चमचागिरी करती है। ओ, कहीं तू ये तो नहीं भूल गई कि तू एक अनार्थ है? मैडम थोड़ी मदद कर दीजिएगा, ये ससुरा सोफा अंदर ही नहीं जा रहा है, आप हाथ लगाएंगी तो हो जाएगा। मैं क्यों हाथ लगाऊंगी, आपको दिख नहीं रहा क्या मैं बिजी हूँ? बहुत मुश्किल है ना, अगर सोफा टाइम से नहीं पहुंचा तो सेठ हमारे पैसे काट लेगा। गरीब की दुआ लगेगी मैम, मदद कर दीजिए और आपका हर काम पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप इधर हाथ लगाइए। नहीं हो रहा मैडम, आप उधर से हाथ लगाइए, हम धकेल देंगे। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ फंस गई मैम। अरे शटर क्यों बंद कर रहे हो? देखो तू मेरे पास आने की कोशिश मत करना। चुप। मुझे करा क्या आता है? Help, please, और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी तरफ चुप। बात मत बोल। कुछ बुरा करने से पहले बताया भी नहीं। आँख बंद करो। आँख बंद। आज सिर्फ बता रहा हूँ, आज की बात ईशानी से बदतमीजी करी, उसकी तरफ उंगली उठाई, अपनी आवाज भी ऊंची करी, तो ना मैसेज भेजूंगा ना बात करूंगा, सीधे ये ट्रक तेरे ऊपर चढ़ा के मार डालूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। चुप, आगे बढ़। तुम ये सब ईशानी के लिए कर रहे हो? तुम कैसे जानते हो उसे? मतलब आप कैसे जानते हो उसे? बहुत सवाल करती है, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ मैं समझ गई, मैं ईशान के साथ अच्छे से बात करूंगी, वो तो मेरी बहुत अच्छी बहन है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मतलब प्यार करूंगी उससे,
घर वालों को समझाएगी और घर पे भी सबको बोलूंगी कि सब उससे प्यार से बात करें। वो मैं उसके सारे काम करूंगी और कभी उसको अपने काम करने पे मजबूर नहीं करूंगी। वो मेरी बहुत अच्छी बहन है, बहुत समझदार है। तू ये बात किसी को भी बोली तो ये ट्रक याद रखना। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। चल निकल यहाँ से। मुझे कमरे में बंद करके मारते थे, लेकिन हम अनाथों को भी खुशी का हक है और दुनिया की सारी खुशियां सारे रंग निशानी को मिलने चाहिए और वो रंग वो खुशियां मैं उसे दूंगा। तुम होली खेलोगी ईशानी, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। ये होली बहुत स्पेशल होगी ईशानी, मैं बनाऊंगा। हैप्पी होली ईशानी। हाँ हाँ पूजा बेटा, हम लोग तो सब तैयार है, लेकिन पता नहीं सुबह से तेरी आई कहाँ निकल गई है। हम टाइम पे आ जाएंगे, तू चिंता मत कर, ठीक है। हाँ हाँ रचना, तू जल्दी वापस आ गई, कैसा रहा तेरा फोटोशूट? अगली बार ईशानी से बदतमीजी करी उसकी तरह उंगली उठाई तो ना मैसेज भेजूंगा ना बात करूंगा, सीधे ये ट्रक तेरे पर चढ़ा दूंगा, मार डालूंगा। नहीं 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 ना, क्या हुआ? तो ठीक है ना? रुक जा, तुझे पानी देती हूँ। नहीं नहीं शुदाई, मैं खुद से ले लूंगी। थैंक यू। अच्छा बताना कैसा था तेरा फोटोशूट? फोटोशूट बहुत अच्छा था। हाँ अब तू जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ रुक जा, ये मेरी इयररिंग्स रख। नहीं नहीं शुताई, ये आपकी इयररिंग्स है ना, आप पहनो, आप पे बहुत सुंदर लगेंगी। मैं पहनाती हूँ। रचना देखो कितना प्यारा लग रहा है, रुको मैं दूसरा भी पहनाती हूँ। ईशानी आ गया हूं मैं तुम्हें अपने रंग में रंगने। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀ? ਕੀ ਹੁਆ, ਆਖੇ ਫਟੀ ਕੇ ਫਟੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਓਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਮ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਲਈ ਤੋ ਮੁਫਤ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਨੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੋਪਰਸ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਮੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਕੋ। ਤੇ ਜਾਓ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਖਾਨੇ ਖਾਓ, ਮੌਜੇ ਲੂਟੋ। ਹਾਂ पर एक काल का ना ध्यान रखना, ओ जी साड़ी चका चांद में ना चक्कर खा के गिर मत पड़ना, नहीं ते हॉस्पिटल का बिल भी ना हमें ही भरना पड़ेगा। पर हाँ साड़ा दिल ना बहुत वड्डा है, इसीलिए हम हर साल होली में खैरात बांटते हैं।
तो इस साल आप लोग आए हो हमारी पार्टी विच, खूब मजे लूटो, ऐसे लूटो, खाओ पियो मुफ्त का। हम समझेंगे कि इस साल हमने होली की खैरात बांट दी। ये रंग होगा हमारी प्यार की पहली निशानी। हैप्पी होली। प्लीज रंग मत लगाना। मिस फ्राइड राइस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी पार्टी में हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फुल डुपर स्टाइल में होली मनानी पड़ेगी, बस। इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। शिव डुपर कर रहा हूँ, बहुत कह रहा है मैडम। एक बार लग जाए ना तो आसानी से नहीं उतरता। कौन है ये? निशानी के मना करने पे भी ये निशानी से जबरदस्ती क्यों कर रहा है? इसने निशानी को हाथ भी लगाया ना तो मार डालूंगा इसे। अरे सर, अरे सर, नारियल पानी पीकर देखिए, बड़ा स्वादिष्ट नारियल पानी है। अरे सर, अगर मैंने सभी को नहीं पिलाया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अरे हमारा कोयता कहाँ चला गया यार? अरे ये रहा। जाओ, माफ किया। अब बोलो थैंक यू। थैंक यू शिव। लैंप पोस्ट। हैप्पी होली ब्रो। हैप्पी होली। क्या हाल बना लिया यार, कुछ तो रंग लगाया नहीं तूने। किसी बंदी ने कलर वाला नहीं लगाया क्या तुझे? यू नो मी ब्रो, किसी बंदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शिव धूपर को रंग लगाए। आ जाओ। अच्छा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुमने रंग लगाए। अब बताती तुम्हें मिस्टर शिव धूपर। ईशानी को परेशान कर रहा था, क्या नाम ले रही थी ईशानी, शिव धूपर गया कहाँ? वो ये लीजिए। ओह सॉरी सर, मुझे लगा कोई कस्टमर है। सर, यहाँ पे सर कौन है? सर, आप सर? मैं कोई आपका सर्वर नहीं हूँ, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। We are friends now. बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर, यश, क्या बोलूँ? यश, ये हुई ना बात। ऐसे मेरा नाम इतना बुरा भी नहीं है, आज पहली बार नाम सुन के ना माइंड ब्लास्टिंग लग रहा है। मतलब नाम का कमाल नहीं है, नाम लेने वाले का कमाल है। आप होली नहीं खेल रहे? खेलने का तो बहुत मन है, लेकिन एक मीटिंग आ गई थी तो वहाँ जाना पड़ेगा। आज के दिन में मीटिंग? हमारा फैशन वीक आ रहा है ना, तो उसके लिए अर्जेंट मीटिंग है तो अटेंड करनी पड़ेगी। आप ये जल्दी से ट्राई कीजिए ना, महाराष्ट्र अनुसार है, पंजाबियों के लिए ठीक है ना? हाँ। दीदी, मैंने सबको कलर लगाए, आपको भी लगाना है। आप जल्दी से आंखें बंद कर लो और अपना फेस नीचे कर लो। आई नो लड़कियों की वीकनेस होते हैं बच्चे, बिल्कुल करनी, बस एक बार तुम अपनी आंखें बंद कर लो। आपको सच में रंग मुझे लगाना है? हाँ, लगाना तो है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ अच्छा,
से बताओ आपका नाम क्या है? हिमी, लेकिन सब मुझे यहाँ लवी डवी हिमी बुलाते हैं। तो ये बताओ हिमी, आपको मुझे रंग लगाना है या आपको ये चॉकलेट खाना? यार ये मिस फ्राइड राइस बच्चों को भी लेक्चर देते नहीं थकती। एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप, बताओ। चॉकलेट। लो दीदी। हाँ? पर आप उन अंकल को कुछ बताना मत प्लीज। नहीं बताऊंगी। ये लड़की ऐसे हाथ नहीं आने वाली, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ब्रो, भरोसा नहीं है तुझे? बता भी क्या हुआ? आज सुबह घर से जब मैं ऑडिशन के लिए निकली तो मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? किडनैप? हाँ, और धमकी देकर छोड़ दिया। एक मिनट रुक, तू क्या बोल रही है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लियर क्लियर बता। हाँ भाई बोल। नहीं नहीं, पहले ये बता तेरा काउंटर कैसे चल रहा है? अरे बहुत सही चल रहा है। सुनना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी। मुझे ना वो प्लेट कम पड़ रहे और एक्स्ट्रा प्लेट उधर स्टेज के पीछे है, तू प्लीज लेके आएगी? अभी लेके आती हूँ। मिस शानी कुलकर्णी, आज तुम्हें शिव धूपर से कोई नहीं बचा सकता। तूने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था। मुझे लगता है ईशानी का कोई जरूर नया या पुराना वाला बॉयफ्रेंड होगा। पता नहीं, लेकिन वो जो कोई भी था ना, वो बहुत डेंजरस था। देख सुन, मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए ये सब। पागल हो गई है क्या? पुलिस को पता चल गया ना तो वो मुझे दूसरी बार किडनैप कर लेगा। अरे पर आई को बता देते। नहीं, आई को तो बिल्कुल नहीं बता सकते। आई को पता चल गया ना तो